नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक है। हम लोग एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं। आप लोगों का इस एजुकेशनल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम एक स्टैचू बनी है उसके बारे में जानते हैं। स्टैचू किसकी है या किस स्वरूप में बनाई गई है, इसको किसने तैयार किया है, पूरा मामला क्या है, किस प्रदेश में बनी है, उसको एक पर्यटन की दृष्टि से कितने रुपए लागत लगा के उसको डेवलप किया जा रहा है, आज का हमारा टॉपिक है। जानना जरूरी है स्टैचू ऑफ वननेस। आइए बात करते हैं और इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी रूपरेखा को समझते हैं। चर्चा के बिंदु क्या होंगे हमारी इस वीडियो में, खबर पर बात करेंगे, भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, स्टैचू ऑफ वननेस की बात करेंगे, मंधाता द्वीप की बात करेंगे और आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में हम जानेंगे। खबर में इसलिए है कि खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इसलिए यह चर्चा में है। अब आइए एक एक करके हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब भारत का हृदय स्थल, बीच में है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है और नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर मंधाता द्वीप की पहाड़ी पर उज्जैन महेश्वर मांडो के साथ एक महत्वपूर्ण पर्यटन सर्किट का भी विकास किया जाएगा। बात करते हैं कि यह जो आदिगुरु शंकराचार्य की जो तस्वीर बना मूर्ति का अनावरण किया गया है वह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में किया गया है। खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर जो ओंकारेश्वर मंधाता द्वीप की पहाड़ियों पर इसको विकसित किया गया है, उज्जैन महेश्वर मांडू के साथ एक महत्वपूर्ण पर्यटन सर्किट का भी विकास किया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल मंदिर है जो 10 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भगवान शिव, उनके साथ साथ महेश्वर मांडू, इन सब सारे जो पर्यटन के क्षेत्र है उनको मिला के एक साथ हम लोग एक महत्वपूर्ण पर्यटन सर्किट भी मध्य प्रदेश में विकसित कर रहे हैं नर्मदा नदी के तट पर। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ वननेस की, एकात्मकता की, एकात्मता की मूर्ति। एकात्मकता की मूर्ति है ये, कौन है ये? आदि गुरु शंकराचार्य हैं। इनकी जो मूर्ति है वह 21 सितंबर को अनावरण हुआ खंडवा में ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर स्थान है, वहां पे इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। 64 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर 27 फीट के कमल की पंखुड़ी के आधार पर, यहाँ पे 27 फीट की कमल की पंखुड़ी है उन्हीं के आधार पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसका वजन 100 टन है। आंतरिक संरचना, पूरी जो इनकी संरचना हुई है वो उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से निर्मित की गई है, जिसमें 88% तांबा है, बाकी जास्ता और टीन है। अब आधार पर शंकर स्तंभ, नक्काशी, शंकर से संबंधित 32 कहानियों का अंकन किया गया है। जो नीचे आधार बना है इस पे, उस पर इनसे संबंधित 32 कहानियों का अंकन किया गया है। बाल रूप जो यह इनकी तस्वीर है वो 12 वर्षीय बाल रूप की है। बाल रूप में ये जैसे दिखते थे आदिगुरु शंकराचार्य, उनकी यह तस्वीर है। यहाँ पर बाल्यावस्था में आगमन हुआ, 4 वर्ष शिक्षा लिए, उसके बाद भ्रमण पर निकल गए। यहीं पर मतलब जहां पे इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है मांडवा में, यहीं पर ओंकारेश्वर की गुफा में गुरु भगवतपाद से इनकी मुलाकात हुई। यहीं पर ओंकारेश्वर की जो गुफा है वहीं पे आदिगुरु शंकराचार्य की मुलाकात इनके गुरु भगवतपाद से हुई। आगे जानते हैं, मुलाकात हुई इनके, इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है उसको बनाने के लिए क्या क्या काम किया गया। तो वर्ष 2018 से ही एकात्म यात्रा एक चलाई गई मध्य प्रदेश में, एकात्म यात्रा चलाई गई जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों से धातु का एकत्रीकरण करना था। जिसका उद्देश्य क्या था कि जो सब लोग हैं थोड़ा थोड़ा, जिसके पास जो धातु है वो धातु दे, ताकि उनकी मनोभावना, उनकी सेंसिबिलिटी इनके प्रति हो सके, डेवलप हो सके और हम एक मूर्ति का अनावरण करा सके। इससे बड़े बड़े काम सरकारें कर लेती हैं, राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लेकिन लोगों का विश्वास, लोगों की आत्मीयता, लोगों का प्रेम इनसे जुड़े, इसके लिए थोड़ी थोड़ी चीजें चंदे के रूप में या मांगी जाती हैं। धातु की ढलाई कहाँ हुई है? नानचांग शहर चीन में इनकी धातु की पूरी ढलाई हुई है। 2100 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। अद्वैत लोक संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान 10 हेक्टेयर में वहीं पे बनाया जाएगा। इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। अब द्वादश ज्योतिर्लिंगों की हम बात कर लेते हैं। यह हमारे मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, यहीं पे आदिगुरु शंकराचार्य की
मूर्ति का अनावरण हुआ है, चीन में इसकी ढलाई हुई है, 21 करोड़ रुपए लागत हुआ है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो उत्तराखंड, में यहाँ पे एक द्वादश ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो हमारा है, उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी में बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है। उसके बाद हम आते हैं झारखंड, बिहार से सटा हुआ जो हमारा झारखंड है, यहां पर बाबा बैजनाथ की द्वादश ज्योतिर्लिंगों में समाहित है। मध्य प्रदेश में दो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, कौन कौन से? महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर। महाराष्ट्र में जो हमारा महाराष्ट्र का रीजन है ये वाला, यहाँ पे भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृरेश्वर जी हैं। और ये हम आते हैं जब गुजरात, तो गुजरात में भी द्वादश लिंगों में दो भगवान शिव की का मंदिर है, सोमनाथ और नागेश्वर। आंध्र प्रदेश में जब हम आते हैं आंध्रा में यहाँ पे, तो वहां मल्लिकार्जुन है, और तमिलनाडु में रामेश्वरम है। हमारे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेट हैं वहां पे मिलाकर द्वादश ज्योतिर्लिंग है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के। उसमें उत्तराखंड में केदारनाथ में है, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, झारखंड में बैजनाथ, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ओमकारेश्वर, महाराष्ट्र में भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर, गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन और तमिलनाडु में रामेश्वर है। अब बात करते हैं मंधाता द्वीप की। मंधाता नदी के तट पर स्थित है, मंधाता द्वीप है वो नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित ओंकारेश्वर और ममलेश्वर या अमरेश्वर यहीं पर स्थित है। ओंकारेश्वर नाम द्वीप के आकार से लिया गया है, जो ओंकारेश्वर का नाम है वो जो मंधाता द्वीप है उसके आकार से लिया गया है, या जो मंधाता द्वीप का आकार है वो ओम की आकृति के जैसा है। यहाँ पर अनेक प्रथाएं हैं कि यहाँ पर आने पर सभी पाप धुल जाते हैं, तमाम तरह की कथाएं यहाँ पे मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था, केरल के एर्नाकुलम जिले में कलाडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। केरल के एर्नाकुलम जिले में कलाडी नामक स्थान पर 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। माता आर्यंबा, पिता शिवगुरु, पिता का नाम शिवगुरु था, माता का नाम अरेमन, गुरु जो थे गोविंद योगी थे। यह दार्शनिक थे, संत थे, संस्कृत के साहित्यकार थे। इन्होंने बाल्यावस्था में ही सन्यास के बाद ओंकारेश्वर पहुंचे, 4 वर्ष की शिक्षा ली, उसके बाद भ्रमण किए। इन्होंने देश के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। मृत्यु इनकी बहुत जल्दी हो गई, 32 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु केदारनाथ में मृत्यु हो गई। और इनका समाधि कहाँ है? उत्तराखंड के केदारनाथ में इनका समाधि स्थल है। ये जो 4 मठ इन्होंने बनवाए वो मठ कहाँ कहाँ है, स्थापना की? ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ और शारदा मठ। प्रस्थान त्रयी पर इन्होंने टीका लिखा, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता पर। गीता पर इन्होंने 3 चीजों पर, उपनिषद पर, ब्रह्मसूत्र पर और गीता पर इन्होंने टीका लिखा। विवेक चूड़ामणि, सौंदर्य लहरी इनकी कृतियां हैं। 10 नामी संप्रदाय और स्मृति संप्रदाय इनके द्वारा स्थापित किए गए संप्रदाय थे। मनीषा पंचकम भी एक इनकी कृति है। महायान शाखा की बातों को अपनाने के कारण इन्हें प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता है। 2 शाखाएं होती थी, हीनयान और महायान। चूंकि ये महायान शाखा को अपनाए थे, महायान शाखा की बातों को अपनाने के कारण इनका नाम प्रचंड बौद्ध भी आता है। इनका मंडन मिश्र और उभय भारती के साथ शस्त्रार्थ हुआ, मंडन मिश्र और उभय भारती के साथ इनका शस्त्रार्थ हुआ। इनके दर्शन को अद्वैतवाद की संज्ञा दी गई, जीव आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है। इनका जो अद्वैतवाद का दर्शन है वो यह कहता है कि जीव मतलब आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है, जो हमारी आत्मा है वही ब्रह्म है, यही अद्वैतवाद है इनके अनुसार, आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार। अज्ञानता ही भेद का कारण है, ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन मानते हैं। ज्ञान के माध्यम से ही, जो ज्ञान का मार्ग है उसी के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, यह आदि गुरु शंकराचार्य का अपना मत था, जिसको जो अद्वैतवाद के प्रणेता थे, अद्वैतवाद में इनका विश्वास था, इनका दर्शन था।
यह आदिगुरु शंकराचार्य वननेस जो मूर्ति की स्थापना मध्य प्रदेश के मांडवा जिले में हुई है उससे संबंधित कुछ बातें रही। आपको यह करंट की कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।